आइए बात करते हैं होल्डिंग टैक्स व वाटर टैक्स बढ़ाने का भाजपा द्वारा विरोध किए जाने की। राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स तथा वाटर टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को मानगो नगर निगम कार्यालय के पास धरना दिया और टैक्स को वापस करने की मांग की। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम कार्यालय के बाहर आयोजित धरना कार्यक्रम में सांसद विद्युत बरण महतो, भाजपा नेता अभय सिंह, देवेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, आजाद नगर मंडल अध्यक्ष फातिमा शाहीन, भाजपा नेता विकास सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार से टैक्स वापस लेने की मांग की। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि आम लोगों को हर सुविधा मिलती तो टैक्स बढ़ाने पर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहां लोगों को बिजली, पानी, सड़क तथा साफ सफाई की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है, ऐसे में टैक्स बढ़ा देना उचित नहीं है। भाजपा ने संकल्प लिया है कि जब तक होल्डिंग टैक्स वापस नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तीनों मंडल के तत्वाधार में होल्डिंग मानगो और आजाद बस्ती के नेतृत्व आज पूरा जिला के जिला जज के नेतृत्व में सारे वरीय पदाधिकारी और हमारे देवकुल कार्यकर्ता की धरना चल रही है। इसमें अचानक जो होल्डिंग टैक्स को अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कर दिया है, इसमें आम जनता जो है इतनी परेशान हो गई कि उन लोग का बेचारा नींद उड़ गई, शांति का नींद जहाँ है उड़ गई है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अमन चैन का बात करती है, चाहे वो विकास के काम को लेकर हो या किस तरह हम लोग चाहते हैं कि आम जनता अपनी बेहतर ढंग से जीवन यापन करे, उसका देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पिछले सरकार ने काम किया। लेकिन इस सरकार आते साथ ऐसा नींव को रख दिया कि आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला, इतना ज़्यादा लूट हो रही है, उधर सरकार का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अब टैक्स जैसा होल्डिंग टैक्स लगभग 3% बढ़ा देना, जो मजदूर है, रिक्शा चालक है, उसका भी तो जीवन बहुत ही नरकीय हो जाए, तीन गुना बढ़ा दिया। और बताइए, टैक्स बढ़ाना, टैक्स वही बढ़ता है जहाँ तीन गुना टैक्स बढ़ाने के जैसा अनुरूप जो है वह विकास चाहिए, नाला चाहिए, समय में पानी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर में पानी भरिए, किसका जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी, लेकिन वो सब चीज़ में वो फेल है। बिजली आती है जाती है, बिजली रुकती नहीं है, उसको पूरा नहीं फुलफिल नहीं कर रहा, पानी नहीं दे पा रहा, स्वास्थ्य का नाम में पूरा चरमराया हुआ। कि कुछ चीज़ का टैक्स उस जगह दिया जाता है जब आम जनता को उसका सामूहिक जो दैनिक जीवन में जरूरत चीज़ को पूरा करता है, लेकिन ऐसा तो कोसों दूर है। नली जाम हो जाती है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, रोड खराब हो जाता है, जगह जगह गड्ढा खोद दिया गया, अगर रोड का ठीक नहीं या पानी का ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, स्कूल का गलत तरीका से युवा स्कूल का जो शिक्षा है वो भी चरमराया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में कोई माए बाप नहीं है। और इसी परिस्थिति में अगर आप टैक्स बढ़ा दीजिए तो आम जनता कहाँ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ने बीड़ा उठाया, इस टैक्स को जब तक आपस नहीं लेगा चरमबद्ध तरीका से हम लोग आंदोलन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक सरकार पीछे नहीं हटे और आम जनता को राहत। दिन भर के ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।